मैं तो सोच ही रही हूँ एक बच्चा गोद ले लेती हूँ, उस पे अपनी जितनी चीजें हैं सब उस पे नाम लिख देती हूँ। बच्चा इधर बैठा है, कितना हर स्त्री का पुत्र अपना होना चाहिए, मैंने सोचा है स्त्री अपना होना। ये तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट ईयर बेबी प्लान करने वाली हूँ मैं। शादी नहीं करनी है, IVF के थ्रू बेबी प्लान करेंगे। हाँ अरे छोड़ो, क्या शादी कर रही है, सुनिए अब्दुल, कल आप जब सीन कर रहे थे ना, आप एक्सप्रेशन जो दे रहे थे ना, तो जीवन में इंसान जो सामने वाला देखता होगा ना, या जो देखता है सोचता है कि काश ऐसी भी हमारी हो। अच्छा चलिए फिर ढूंढते हैं पति। अब पति ढूंढते हैं मेरे लिए, नेक्स्ट ईयर शादी करनी है। पैसा तो भगवान ने आपको इतना दे दिया, इतना पैसा चाहिए तो होना चाहिए, नहीं ईमानदार होना चाहिए। नहीं ईमानदार कौन है आज के डेट में, पैसा अपने बाप आ जाए। आज के डेट में ईमानदार है कौन, दीनानाथ तुम ईमानदार हो, दीनानाथ कितने ईमानदार थे, कौन दीनानाथ अपने कैरेक्टर मम्मी को बोल देती हूँ, मम्मी लड़का ढूंढना स्टार्ट कर, नेक्स्ट ईयर शादी करेंगे। फिर मेरी शादी हो जाएगी, बेबी हो जाएगा, तो फिर मूवी कैसे करूंगी मैं, मैंने तो सोचा है मैं प्रेग्नेंट भी होंगी ना, बेबी भी होगा तो भी मैं मूवी करूँगी, उस रोल का करेंगे, वैसे रोल करूंगी। मेरे पास है कहानी आपके लिए, एक बार बताइए अभी से लिख के कहानी लिख के रखो, 8 महीने की 10 साल पहले की इंडस्ट्री भूल जाएगी कि हीरोइनों की शादी हो गई कोई फिल्म में। आज जितनी हीरोइनें शादी के बाद अच्छी दिखती हैं वो अच्छी फिल्में चल रही हैं, आलिया भट्ट हो, जिसका भी ले लीजिए अपनी इंडस्ट्री में ही दे, बाकी जी शादी शुदा थी तब भी वो इंडस्ट्री में आई, सबसे ज्यादा राज किया ना उन्होंने इंडस्ट्री पे, ऑब्वियसली देखो शादी मैटर नहीं करता काम करने के लिए। चलो चलो आ जाइए सब लोग, जी आई एम रेडी, रेडी रेडी आइए, शादी मैटर नहीं करता काम करने के लिए। सही बात, किसका क्या रिलेशन है, किसके बच्चे हैं, किसकी बीवी है, किसका पति है, उसे क्या लेना देना है, और लेना देना भी नहीं रखना चाहिए, कोई वेला थोड़ी आया है, ऑब्वियसली सब शादी करेंगे, जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जो एक रूल है पूरे, हाँ कंट्री का रूल है ये, पूरे वर्ल्ड में चलता आ रहा है, तो क्या कोई ऐसे हीरोइन बन जाएगा एक्टिंग में तो शादी नहीं करेगा, कोई भी शादी करेगा, बच्चे भी होंगे, अगर वो होते हैं तो हम लोग कहाँ से आते। मैं एक चीज बोल रही हूँ, अगर मैं नॉर्मल फैमिली में होती, अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती, मैं कुछ भी नहीं होती, तो आज मेरे दो तो बच्चे तो होते ही होते, बड़े बड़े हो गए होते। तो नेक्स्ट ईयर मेरी शादी पक्की है, नेक्स्ट ईयर बेबी नहीं मैम, उसके लिए अभी करना पड़ेगा शादी, तब नेक्स्ट ईयर बेबी आएगा, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है, दोनों एक साथ कैसे होगा शादी बेबी, शादी इसी साल करनी पड़ेगी तब नेक्स्ट ईयर बेबी आएगा ना। अच्छा मम्मी टाइम ढूंढना स्टार्ट कर दे, ये साल में शादी कर देना, हाँ तब नेक्स्ट ईयर बेबी आ जाएगा, ठीक है। मैं गर्मी में शादी नहीं कर सकती, मुझे ठंड में शादी करनी है, वो एसी हो या बेसी हो लेकिन मुझे ठंड में शादी चाहिए।
चलो शादी का डिश हम लोग शादी का करेंगे।